कल सुबह इनकम टैक्स की एक दर्जन से ज्यादा टीमों ने जैसे ही दो रियल एस्टेट कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की तो पूरे शहर के रियल एस्टेट और फाइनेंस कंपनियों के संचालकों में हड़कंप मच गया। इनमें एक्मे और अरिहंत ग्रुप शामिल है जो दोनों उदयपुर के सीवान क्षेत्र में जमीनों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। एक्मे ग्रुप के निर्मल जैन और रमेश जैन मालिक हैं, अरिहंत ग्रुप के कालूलाल जैन मालिक हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अल सुबह एक साथ शहर में 35 ठिकानों के साथ साथ मुंबई के दो ठिकानों पर सर्च शुरू किया। इसके अलावा इस ग्रुप से जुड़े कई पार्टनर्स के घरों पर भी टीमें अल सुबह ही पहुंच गईं। सभी जगह टीमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही बड़ी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की सभी टीमें जयपुर से उदयपुर सर्च के लिए पहुंची थीं। तीनों ही कारोबारियों के घरों पर उनके ग्रुप के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। टीम हवाला के पैसों से खरीदी गई जमीनों के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। यही नहीं, टीम आय के बारे में विस्तार से जानकारी ले रही है। माना जा रहा है कि उदयपुर में इन ग्रुप के पास 1,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। जानकारी के लिए संवाददाता भगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। भगवान, दो रियल एस्टेट कारोबारियों के यहाँ आज आईटी की रेड हुई है, क्या कुछ अब तक आईटी विभाग को इनके यहाँ से मिला है? अभी तक जो है इनकम टैक्स के जो अधिकारी है उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उनके यहाँ से क्या मिला है। हर सुबह आगे होने की वजह से लगातार जो है पूछताछ जारी है। जो दो बड़े कारोबारी है प्रॉपर्टी के और फाइनेंस के, वहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो एक्मे ग्रुप है वहाँ उदयपुर का बड़ा ग्रुप माना जाता है। यहाँ पर जो एक्मे ग्रुप है जो दो इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, लेकिन जो उदयपुर और उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हो रही है, जिसमें ऑफिस भी है, घर भी है। इनके अलावा इनके पार्टनर्स है, उनके जो घर है ऑफिस है वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर 35 ठिकाने हैं जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, जिनमें से दो ठिकाने केवल मुंबई में है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और जांच जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए भगवान।